Hey everyone, welcome back once again to your very own channel that is Maths Zone and finally we are back with the 59th episode of Sunday Bani. पिछला दो संडे कुछ कारण के वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी. बट जैसे कि आपको पता है, संडे हम कोई ना कोई एक नया टॉपिक को लेके ये वाला सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं. ये सीरीज़ कभी बंद नहीं होने वाला. कभी कभार कैसा कुछ एक कंडीशन रह जाता है, मतलब ड्यू टू सम वर्क लोड बोल सकते हैं आप, या फिर तबीयत खराब की वजह से कभी ना कभी स्किप हो जाता है. बट एनी हाउ नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ये कंटिन्यू करेगा एज यूजुअल जैसे करता है. तो आज फिर से हम आ गए हैं और एक टॉपिक को लेके और एक एपिसोड को लेके. दिस इज द 59th एपिसोड ऑफ संडे वाणी और देखते देखते 59 और नेक्स्ट एपिसोड हमारा 60th एपिसोड होने वाला है. तो जस्ट कुछ दिन पहले ही 50th एपिसोड खत्म हुआ था और देखते देखते हम 60th एपिसोड में पहुंचने वाले हैं. तो बहुत टाइम किसी का भी वेट नहीं करता. इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि टाइम बहुत ही क्विक सक्सेसन में जा रहा है. लाइक एक वीडियो मैंने आज पोस्ट किया, फिर देखते देखते फिर नेक्स्ट मुझे जैसे लग रहा है कि दो दिन के बाद ही मुझे और एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, मतलब नेक्स्ट संडे के लिए. मतलब 7 दिन का मतलब इंटरवल मुझे 2 दिन या 1 दिन का तरह लग रहा है, इतना टाइम फास्ट चल रहा है. उतना सारा कुछ मिक्स होता जा रहा है. तो ऑब्वियसली टाइम किसी का भी वेट नहीं करता और आप लोग भी ये बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का भी एग्जाम वगैरह पास आ रहा है, कैसा क्या करना है, कैसा क्या नहीं करना है, सबका जो भी होना चाहिए वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा बीच बीच में. तो आते हैं फिर टॉपिक में. आज का जो टॉपिक होने वाला है एक मोरल स्टोरी होने वाला है. जैसे आपको पता है कि स्टोरी बहुत ही मतलब हम लोगों का आप लोगों का बहुत ही एक अच्छा सा एक मतलब इंटरेक्शन रहता है ये स्टोरी के थ्रू. और लास्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी में हमको सीखने को भी मिलता है. हम स्टोरी में जो मैंने सीखा, मैंने जो स्टोरी को जब मैंने सुना और मैंने जो सीखा, मैं बस ट्राई करूँगा आपको कन्वे करने के लिए. और ज़्यादा देरी ना करके डायरेक्टली स्टोरी में आते हैं. मैंने ये जो सीरीज़ है इसको मैं 9-10 मिनट के अंदर ही रखना चाहता हूँ, ताकि एक मतलब टाइम इंटरवल के अंदर ही हम इसको ख़त्म करें और वहाँ से हम ना कुछ गेन करें. ठीक है, तो और ज़्यादा देरी ना करके स्टार्ट करते हैं. अभी तक अगर आप लोगों ने मैथ्स ऑन फैमिली में ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से जाके रेड कलर का बटन को प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे. और बहुत जल्दी हम 2K फैमिली मेंबर्स के पास भी पहुँच रहे हैं. धीरे धीरे ही सही बट पहुँच रहे हैं. तो अभी तक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुआ, आप लोग ज्वाइन होकर आप लोग का प्यार और अफेक्शन दिखा सकते हो. तो और ज़्यादा देरी ना करके फिर हम टॉपिक में डायरेक्टली आते हैं और लास्ट तक रहेंगे और सीखेंगे कि क्या एक्चुअली में ये स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलता है. तो डायरेक्टली लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा, हमारा जो कैप्शन आपको नीचे में दिख रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स. ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट, ये सारा ये पॉजिटिविटी जो हमारा रहना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. ये इसको लेके एक छोटा सा स्टोरी को हम रिलेट करते हैं. ऐसा तो नॉर्मली हमारा स्टोरी सारा बहुत सारा स्टोरी ये पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर था. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ये पॉजिटिव वाइब्स मतलब ये स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे पॉजिटिविटी कैसे हम अपने अंदर में डेवलप करेंगे, ताकि हमारा सराउंडिंग भी धीरे 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 जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे बीच में आ रहा होगा, जितना भी प्रॉब्लम सब आ रहा होगा, ये धीरे धीरे हम पॉजिटिविटी जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे हम अपने से, तो धीरे धीरे सराउंडिंग भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये स्टोरी कुछ इस तरीका का है कि एक हिरन था जो कि जंगल में रहता था. तो एक बार क्या हुआ, ऐसे वो घूम रहा था तो उसको बहुत जोर से मतलब पानी पीना था. तो वो इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, जंगल पूरा खाली है और कोई देख नहीं रहा है. तो इधर से उधर बस भाग रहा है पानी के लिए, जहां पे भी जा रहा है पानी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है. तो भागते 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 इतना वो भागा और इतना इधर उधर तो पूरा थक गया था. तो लेकिन उसको मतलब बहुत ही जोर का प्यास लगा था और उसको पानी पीना था, बट वो फाइनली पानी ना पी के इतना इधर उधर भटक के बहुत थक गया था. तो वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या करेंगे, क्योंकि इतना सारा भागा दौड़ी में थक गया था और इसलिए वो जाके बैठ गया और पानी बस सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना है. तो जब वो बस बैठा और 2 मिनट बस शांति से बैठा और चुपचाप आँख बंद करके बैठा, तब उसको धीरे से पूरा माहौल शांत होने लगा और उसको धीरे से कान में एक सुनने मतलब पानी का आवाज़ सुनाई दिया. तो वो जब आँख खोला और उसको लगा कि यहीं पे पास में कहीं पे पानी है, तो भाग के जब वो गया तो वहाँ पे देखा कि एक बड़ा सा तालाब था, बहुत ही बड़ा सा तालाब था. और वो सोचा कि मैंने थोड़ा सा जो ध्यान लगाया तो इसके कारण शायद मुझे पानी का आवाज़ आ गया. तो फाइनली वो देख लिया कि मेरे सामने बहुत बड़ा सा तालाब है, बॉन्ड है. तो वो जस्ट गया और उसको पानी पीने जा ही रहा था, वो पानी को मतलब जस्ट पीने जा ही रहा था, तो अचानक से उसको मतलब कुछ सुनाई दिया आवाज़. तो अचानक से वो जब देखा इधर में, तो इधर में एक जो शिकारी है, शिकारी एक था, वो शिकार करने आया था जंगल में और वो पूरा सा देख लिया वो हिरन को. तो वो वहाँ से खड़े होके उसके जो एरो है, एरो से पूरा उसको मतलब शिकार पूरा तारने लगा. और पूरा जैसे मतलब और कुछ देरी अगर वो इधर उधर हिला तो सीधा वो उसका तीर चला लेगा हिरन पे. तो वो जब देखा उधर तो वो थोड़ा डरने लगा कि अभी क्या करेंगे, अभी पानी पीऊँ या कहाँ पे भागूँ. तो वो फिर जब और एक बार आवाज़ सुनाई दिया तो वो फिर लेफ्ट में जब देखा तो वहाँ पे देखा कि एक शेर खड़ा है झाड़ियों में, जस्ट झाड़ियों में. वो जस्ट हिरन को देखा है और ही इज अबाउट टू लाइक जंप, वो जस्ट जंप करने वाला है उसके ऊपर में, मतलब उसको खाने के लिए.
तो फाइनली इधर देखे तो शिकारी, इधर देखा तो शेर, और हिरन का सामने पानी, उसको प्यास लगा है, क्या करेगा अभी, वो पानी पानी पिए या फिर इधर जाए या फिर उधर जाए, क्या करेगा। तो वो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पानी तो पानी पानी, और तो तब इतना मतलब प्रॉब्लम के अंदर और पानी दिखाई नहीं दिया, वो सोचा कि सीधा मैं पीछे देखूंगा और सीधा पीछे जंगल की तरफ भागूंगा और फाइनली मैं बच जाऊंगा। और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो फाइनली वो भी मतलब शॉक में आ गया कि पीछे जब देखा तो धीरे से जंगल जल रहा था, एक्चुअली जंगल बहुत दिन से जल रहा था और धीरे धीरे वो सारा जो आग है वो अपने तरफ आ रहा था, मतलब फाइनली जो थर्ड डोर भी खुला था पीछे की तरफ वो फाइनली वो भी बंद हो गया, मतलब अगर वो भागेगा वहाँ पे भी वो मतलब जल के मतलब जाएगा, खत्म हो जाएगा। और राइट में जाएगा तो शिकारी है, लेफ्ट में जाएगा तो शेर है, और सामने जाएगा तो पूरा बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पे भी अगर गया तो वहाँ पे भी डूब के मर जाएगा, तो करेगा क्या। तो फाइनली वो बहुत सोचा थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं है सोचने का कि मैं क्या करूँ, या फिर एक घंटा टाइम है या फिर बैठ के सोचना है क्या करना है या फिर ध्यान लगाना है आग बंद करके, कुछ नहीं कर सकता। फिर से वो देखा इधर शिकारी पूरा ताने हुए है, इधर देखा शेर पूरा जस्ट जंप करने वाला है, और पीछे देखा तो वो आग धीरे धीरे अपने तरफ बढ़ रहा है, और सामने देखा तो पानी है, तो चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। वो सोचा कि देखो अगर मैं इधर में भी जाऊँ इधर में भी शिकारी मारेगा, और मैं उधर में भी जाऊँ तो भी शेर मुझे खा लेगा, अगर मैं पीछे भी जाऊँ तो वहाँ पे भी आग मुझे निपट लेगा, और मैं अगर पानी में डूब भी जाऊँ तो वहाँ पे मरूंगा, तो अगर मरना ही है तो पानी पी के ही क्यों ना मरूं, दैट इज़ द लॉजिक। अगर मरना ही है मुझे और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, तो अगर मरना ही है तो पानी पी के ही मैं जो काम के लिए आया हूँ वो काम ही कर लेता हूँ एटलीस्ट। पानी इतना प्यास लगा था, वो चुपचाप आँख बंद किया, पानी पीना स्टार्ट कर दिया, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। अचानक से क्या हुआ, बारिश लगने है, बारिश होने लगा, पूरा काला बादल छाने लगा और बारिश अचानक से होने लगा, और बारिश होने के कारण धीरे धीरे पीछे का जो आग जल रहा था वो धीरे धीरे बुझने लगा। और शिकारी मतलब देखा कि बारिश जब हो रहा है शायद हिरन कहीं भाग ना जाए, तो वो फिर से तीर को एक पूरा जैसा निशाना किया था वो छोड़ दिया, बट बारिश के वजह से वो देख नहीं पाया किधर है, तो जब छोड़ दिया तो वो हिरन का ना लग के जस्ट क्रॉस होके शेर को लग गया। शेर को जब लग गया तो शेर पूरा पागल हो गया, और शेर हिरन को क्या पकड़ेगा, हिरन को क्या जंप करेगा, वो सीधा भागा वो शिकारी के लिए, और शिकारी भागा, शेर भी भागा, और इधर जंगल भी पानी मतलब बारिश के वजह से मतलब आग मतलब खत्म हो गया, और ये भी पानी पी रहा। जब आग खोला तो देखा कि बारिश हो रहा है, इधर में ना शेर है, इधर में ना शिकारी है, और पीछे में ना आग है। तो दैट इज़ द पॉइंट। ये मतलब हो सकता है कि एक मतलब एक काल्पनिक कथा हो या फिर ऐसा कुछ एक हो, बट ये जो स्टोरी जो हमने सुना इसमें बहुत सारा कुछ हमको सीखने मिलता है। पहला बात तो है कि मीन्स आप जो एफर्ट दे रहे हो, आप जो काम करने के लिए आ रहे हो, उसमें पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लगाना है कि अगर मैं वो मतलब वो सिचुएशन में अगर हिरन मतलब सारे तरफ में प्रॉब्लम था, आगे पीछे इधर उधर सारे तरफ प्रॉब्लम था, बट वो सोचा कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं मतलब नॉर्मली क्यों, मैं जो काम करने आया हूँ वो काम ही करके जाऊँ, तो वो काम करने लगा, वो पानी पीने लगा, अचानक से सराउंडिंग धीरे 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 पॉजिटिव, वो खुद को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने लगा, तो सराउंडिंग भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा, और एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ पॉजिटिव हो गया और फाइनली वो बच गया। सो दैट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम जितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, जितने भी मतलब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम हमेशा ट्राई करेंगे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड को रखेंगे, पॉजिटिविटी हमारे अंदर रखेंगे। हमेशा हमको लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, बट अगर हम अपने अंदर में विश्वास रखें, बिलीव रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा एनवायरनमेंट हमारा वो पॉजिटिव धीरे 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 शायद टाइम लग सकता है, बट धीरे 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 वो पॉजिटिव मतलब एनवायरनमेंट में बदलने लगा, और अगर एक बार पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो बदल गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पॉजिटिव हो गया और हम भी खुश भी रहेंगे। तो दैट इज़ मैंने जो सीखा था, मैंने आपको बस कन्वे किया। आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी बहुत ही लाइक मतलब टच किया होगा। अगर आप लोग रिलेट कर पाए हो, आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, और आपके नियर एंड डियर के साथ भी शेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा हैप्पीनेस स्प्रेड हो सकता है तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात होगा। तो और कुछ टॉपिक के ऊपर अगर आपको चाहिए मोरल या फिर कुछ भी टॉपिक डिस्कशन के लिए एपिसोड के लिए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं ऑब्वियसली उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट एपिसोड में वो सबको डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग सब अच्छे हो, खुश हो, बस ऐसे ही हैप्पीनेस स्प्रेड करते रहिए। और अगर हमारा फैमिली में आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हो महजोन फैमिली में, आप लोग आपका लव एंड अफेक्शन वहाँ पे ज्वाइन होकर दिखा सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, जय जगन्नाथ। और एक बात, शुभ महालया टू एवरीवन। आज दुर्गा पूजा का मतलब आरंभ होने वाला है, तो आई होप आप लोग मतलब तैयार हो इस साल का दुर्गा पूजा को भी अटेंड करने के लिए। और इस साल क्योंकि दो साल नहीं हुआ था, तो इस साल बहुत ही मतलब जोरों शोरों से होने का मतलब है। मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कैसा क्या है। मैं अभी कटक में हूँ, और कटक का दुर्गा पूजा जैसे आपको पता है बहुत ही फेमस होने वाला है, तो आई होप मैं सब कुछ को मतलब कैप्चर करके आप लोग को एक छोटा सा एक वीडियो भी दिला सकूँ, ताकि आप लोग भी उसको देख के पूजा को एंजॉय कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, जय जगन्नाथ।